प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 जो कि कनेक्शंस है था ना, कनेक्शंस ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, कुछ एमसीक्यूज था प्लस कुछ न्यूमेरिकल टाइप आंसर क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस था वो हमारा ESE लेवल का जो है क्वेश्चंस था, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस थे, जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पे आपको जो है प्लेलिस्ट है हमारा मिल जाएगा, है ना, प्लेलिस्ट। तो वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का वन बाय वन आपको मैं करवाऊंगा। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से, बाकी वन बाय वन सारे सब्जेक्ट आपको मैं करवाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको मैं करवा रहा हूँ। और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है इससे डायरेक्टली उठा लिया जाता है, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको ले लिया जाता है, जो डिजाइन वाला होता है वो नहीं, कुछ छोटा या कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली इससे जो है ले लिया जाता है, या अगर आप जेई वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपका जो है कई सारे वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ एक बार जो है शेयर कर दीजिए इसे, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके और डिटेल में वो भी जो है इसके बारे में चर्चा कर सके और जान सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू अकाउंट इन डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन द परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स मे बी एक्सीडेड बाय, कितना से वो एक्सीड होता है, तो 25% से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि एक माइल्ड स्टील है, क्या है, एक माइल्ड स्टील है जो कि फ्लैट है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 840 किलो न्यूटन इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के साथ ये क्या है कनेक्टेड है, यूजिंग रिवेट्स, रिवेट का यूज करते हुए, इफ परमिसिबल फोर्सेज रिक्वायर्ड पर पीच लेंथ, पहला टू सीयर अ सिंगल रिवेट, टू क्रश द रिवेट, और तीसरा टीयर द प्लेट आर दिया गया है 50 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन। तो नंबर ऑफ रिवेट आपको बताना है। तो भाई रिवेट वैल्यू क्या होता है, रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 80, 50 और 60। तो क्या हो गया, 50 यहाँ पे आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, और टोटल लोड कितना था, तो 840। तो नंबर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू 840 बटा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.8, यानी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफेक्टिव थ्रोएड थिकनेस ऑफ फिलेट बेल्ट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। वेन द लोड लाइन कोइंसाइड विद सेंट्रोइड ऑफ रिवेट ग्रुप द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू, जो रिवेट्स होते हैं वो सब्जेक्टेड होता है सीयर ओनली, क्या होता है, सीयर से सिर्फ सब्जेक्टेड
है। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है फिलेट बेल्ट का वो लिया जाता है एज द एक्चुअल लेंथ, है ना, एक्चुअल लेंथ के माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ बेल्ट, है ना, माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ बेल्ट। तो ये जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट आपका लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ बेल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन एंगल आई एस ए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन आपका दिया गया है 50 × 50 × 6 इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट 5 mm थिक, 5 mm थिक गसेट प्लेट से कनेक्ट किया गया है विद 16 mm बोल्ट, है ना, बोल्ट कितना है 16 mm है। व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट का बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगा व्हेन द होल डायमीटर इज 16 mm, होल डायमीटर जो है 16 mm है और एलोएबल बियरिंग स्ट्रेंथ जो है 250 MPa है। ठीक है, तो देखो बियरिंग स्ट्रेंथ हमें निकालना है, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ, तो बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बियरिंग स्ट्रेस गुने एरिया। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेस कितना है 250 × एरिया कितना हो जाएगा 16 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 20 kN, है ना, 20 kN, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका बोला जा रहा है यहाँ पे कि फोर बेल्डेड जॉइंट जो कि फिगर में आपको दिया गया है, द डायरेक्ट वर्टिकल शियर स्ट्रेस ऑन वेल्ड इज 40 MPa एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज 120 MPa, फोर व्हाट स्ट्रेंथ शुड बी बेल्ड बी डिजाइंड, है ना, कैसे डिजाइन होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इफ डिजाइन जो है फिलेट बेल्ट का करना है तो वी डिजाइन एज पर द रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डिजाइन करेंगे, बिकॉज जो फिलेट बेल्ट होता है वो कंसिस्ट करता है इवन द बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू शियरिंग एक्शन, है ना, हेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होगा बेल्ट का वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट अगर लिखें, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, तो ये बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका स्क्वायर रूट 40² + 120² तो यहाँ पे ये बड़ा या इक्वल आ जाएगा 126.49 MPa। ठीक है, तो ये अगर अप्रोक्स आंसर देखें, है ना, तो ये किसके आसपास आए, तो 132 MPa के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आपका दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि एक फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट है जो कि फिगर में आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट है, ठीक है, द साइज ऑफ बेल्ट इज 8 mm, 8 mm इसका बेल्ट किया जा रहा है, सेफ स्ट्रेस इन बेल्ट जो है 110 N/mm² है, व्हाट इज द सेफ फोर्स, सेफ फोर्स क्या होगा, नियरेस्ट मैग्नीट्यूड आपको बताना है टू विच वेल्ड कैन बी सब्जेक्टेड, है ना, वेल्ड जो है वो आपका सब्जेक्टेड है,
तो एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग एज्यूमिंग थ्रेड थिकनेस, थ्रेड थिकनेस, तो थ्रेड थिकनेस एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 गुने साइज ऑफ बेल्ट। ठीक, तो 0.7 गुने साइज ऑफ बेल्ट कितना है, 8 है ना। यहाँ पे देखिए साइज ऑफ बेल्ट 8 mm है, तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसको करना ही है। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेफ फोर्स, तो सेफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस गुने है ना, स्ट्रेस गुने इसका एरिया, स्ट्रेस गुने एरिया है ना, स्ट्रेस गुने एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस गुने एरिया करेंगे तो स्ट्रेस है 110 गुने ये आ जाएगा 80 प्लस 60 प्लस 80 गुने हमारा 0.7 गुने 8। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 135.52 किलो न्यूटन, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया जाए है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर इसका बात करें तो 136 किलो न्यूटन हमारा आ जाएगा है ना। अब नियर बाई देखते हैं कि किसके नियर बाई वो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस 135 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर जो है आपका 120 mm दिया गया है, जो कि वेल्डेड किया गया है टू अ रिजिड प्लेट बाय फिलेट बेल्ट ऑफ साइज 6 mm। इफ द टॉर्क 8 kN इज अप्लाइड टू अ शाफ्ट, शाफ्ट के साथ अप्लाई किया जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन बेल्ट, बेल्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो टाउ इज इक्वल टू हमारा आएगा, टाउ इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू आर डिवाइडेड बाई आई पी। ठीक, जहां पे आपका ये जो आईपी है, आईपी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो 8 × 10^6 गुने 60 डिवाइडेड बाई 2π गुने 16 के 60³ गुने पी। ठीक है, आईपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 2π r³/r³ t है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो आई पी इज इक्वल टू 2π r³/t, और ये टी जो है, टी जो है थिकनेस है थ्रोएट का, या थ्रोएट थिकनेस आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 10^6 × 60, तो ये तो 60 से ये एक कटेगा तो ये 60² हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटा दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × π × 60 × 60 × थ्रोएट थिकनेस कितना है, तो 4.2, क्योंकि ये 0.7 गुने आपका साइज ऑफ फिलेट बिल्ड होता है, तो 0.7 × 6 होगा, तो 4. इसका वैल्यू करेंगे तो 4.2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाउ का जो वैल्यू है ना, क्योंकि हमें निकाला ही ना ही था कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन बेल्ट क्या होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 84.2 Nm² ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब मैच करते हैं कि किसमें ये ऑप्शन हमें दिया गया है 84.2, तो 84.2 हमें 84 दिया गया है अप्रोक्सीमेटली, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, बोला गया है कि टू प्लेट्स है जिसका डायमेंशन 150 mm गुने 16 mm है एंड 150 mm गुने 12 mm है एट देयर बेल्डिंग एजेस आर ज्वाइंटेड बाय बट बेल्डिंग, जो कि दिया गया फिगर में। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट दिस सिंगल वी बट बेल्ड ज्वाइंट कैन ट्रांसमिट, और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट जो है 150 मेगा पास्कल जो है आपका यहाँ पे दिया गया है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन हमारा यहाँ पे निकालना है, तो मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू 150 गुने 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट गुने परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये आ जाएगा 150 गुने 5/8 गुने 12 गुने 150, तो ये आ जाएगा 168 है ना, 168.75 किलो न्यूटन। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट डैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए सिंगल रो ऑन ए 140 mm वाइड फ्लैट स्ट्रिप यूज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इवॉल्व इन द प्रोसेस, प्रोसेस में इवॉल्व किया गया है। तो देखो यहाँ पे हमें जो है क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट कितना रिक्वायर्ड होगा, एकोमोडेटेड होगा वो बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें जो है नॉमिनल डायमीटर जो है नॉमिनल डाया जो है वो दिया गया है 20 mm। ठीक है, डाया होल, डाया ऑफ होल ये आपका हो जाएगा 22 mm। मिनिमम पिच ये है 2.5 गुने नॉमिनल डाया है ना, यानी dn, तो ये आएगा 2.5 गुने 20, तो ये आ जाएगा 50 mm। ठीक, तो मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस, मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1.5 गुने 22, तो ये आ जाएगा 33 mm। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 33 mm। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का ये कितना है 140 mm है, कितना है 140 mm। ओके, और बीच में इसका डिस्टेंस कितना है 50 है। ठीक है, ये डिस्टेंस 50 है और ये एज डिस्टेंस जो है आपका 33 है। ठीक है, 33 आपका है। ठीक, तो टू एकोमोडेट
3 बोल्ट टू एकोमोडेट 3 बोल्ट विड्थ रिक्वायर्ड, विड्थ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 × 33 प्लस 2 × 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 166 mm आ जाएगा, जो कि ज्यादा है 140 mm से, मतलब जो क्वेश्चंस में हमें दिया गया है उससे ये ज्यादा है, तो भाई ये वैलिड तो अब होगा नहीं, है ना। हमने अरेंजमेंट यहाँ पे क्या लिया, 3 लेकर चला, तो क्या ये पॉसिबल है अब, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, वी यूज देयरफॉर वी यूज ओनली 2 वोल्ट, है ना, दो ही वोल्ट यूज करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, और इसके बीच में 50 और ऊपर 33 और नीचे 33, तो अब कितना आ जाएगा, तो 2 × 33 प्लस 50, तो ये हो गया 66 प्लस 50, तो ये आ गया आपका 6 और 6 × 5 = 11, तो 116 mm। तो ये पीच का मतलब एंड जो आपका डिस्टेंस है, जो मिनिमम मैंने रखा है 33, वो ज्यादा होगा क्योंकि मिनिमम से कम तो नहीं रख सकते हैं, जब भी आता है मिनिमम से ज्यादा रख सकते हैं, मिनिमम से कम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm फिलेट बेल्ट ऑफ 100 mm लेंथ मेड बिटवीन 2 फ्लैट ईच 10 mm थिक, जो अलाउएबल शियर स्ट्रेस ऑन वेल्ड इज 110 MPa दिया गया है। तो अ स्ट्रेंथ, है ना, अ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7 × 6 × 100 × 110, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46.2 kN, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में मैच करते हैं कि कौन सा आता है हमारा, तो 46 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है आपका कि स्टेटमेंट को बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे जो है बताना है, है ना। तो देखो हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वेन एनालाइजिंग बाय अल्टीमेट लोड मेथड, जो इसेंट्रिकली लोडेड फास्टनर ग्रुप है वो रोटेट्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। द रिवेट विच इज फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिवेट ग्रुप एंड मे ऑल्सो बी द नियरेस्ट टू द अप्लाइड लोड लाइन इज द मोस्ट क्रिटिकल वन, यह स्टेटमेंट भी सही है, एक होता है। अगला स्टेटमेंट है, द डिफॉर्मेशन एट इच रिवेट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, नहीं भाई यह स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 और 2 जो हो गया ये हमारा सही स्टेटमेंट आपका दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए, तो ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस भी आपका जो है स्टेटमेंट सही है, बोला जा रहा है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है विद रिस्पेक्ट टू वेल्डेड कनेक्शन, है ना, वेल्डेड कनेक्शन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वेल्डेड कनेक्शन के रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट कौन सा है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है आपका, बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ड
इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट बेल्ट कंपोनेंट ज्वाइंट। तो बिल्कुल ये आपका सही स्टेटमेंट है। फिलेट बेल्ट्स कैरी द लोड्स कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूजन मटेरियल, है ना, फ्यूजन मटेरियल के। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अगला है, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ लोड बाय फिलेट बेल्ट द फ्यूजन फेसेस शैल सबस्टेंड एन एंगल बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री, जो कि यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन से आपका दिया गया जो है वो आपका सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शंस हमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर D1 एंड 3। ओके, अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है आपका कि जो आपका ब्लॉक शियर है ना, जो आपका ब्लॉक शियर फेलियर होता है ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट इन टेंशन अकर बिकॉज ऑफ, किसके कारण से ये आपका होता है। तो ये आपका यूज ऑफ हायर शियर स्ट्रेंथ बोल्ट बोल्ट्स और आपका जो है यूज ऑफ प्लेट विद हायर बियरिंग स्ट्रेंथ, दोनों के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एज पर आईएस कोड, आईएस कोड के अनुसार जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल पिच एलाउ किया जाता है फॉर बोल्टेड ज्वाइंट ऑफ टेंशन मेंबर इज नॉमिनली, नॉमिनली कितना होता है ना, नॉमिनली कितना होता है। तो नॉमिनली ये 16 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है आपका कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ है टेंशन मेंबर का, जो डिजाइन स्ट्रेंथ है टेंशन मेंबर का वो गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा गवर्न किया जाता है। तो ये जो है आपका गवर्न किया जाता है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है रैप्चर एट क्रिटिकल सेक्शंस, रैप्चर एट क्रिटिकल सेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। एल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, ये भी सही है, और ब्लॉक शियर ऑफ एंड रीजंस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी डी ऑप्शंस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका बोला जा रहा है कि इन ए बोल्टेड ज्वाइंट ऑल सिमिलरली प्लेस्ड बोल्ट्स शेयर द लोड इक्वली, इक्वली लोड शेयर करता है, और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है बोल्ट्स आर प्लेस्ड ऑन इन होल्स, बोल्ट्स आर प्लेस्ड इन होल्स हैविंग स्लाइटली लार्जर डायमीटर, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही आपका क्या है, करेक्ट है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मिनिमम साइज होता है फिलेट बेल्ट का फॉर 20 mm टू 32 mm प्लेट इज, है ना, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट 20 और 32 mm का कितना होता है। तो ये डायरेक्टली कोड से उठाकर क्वेश्चन डाल दिया है ना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है कोड से उठाकर दे दिया है। तो कोड से डायरेक्टली उठाकर दे दिया तो बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 mm आपका हो जाएगा। वही अगर 12 से 20 के बीच में रहता तो 5 mm रहता, ओके, या 10 से 20 के बीच में कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि स्टेटमेंट रिलेटेड करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ कनेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ कनेक्शन से। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सेंटर ऑफ
ग्रेविटी ऑफ बोल्ट्स शुड बी कंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स। तो यह स्टेटमेंट सही है ना, यानी ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है कि द लेंथ ऑफ कनेक्शन शुड बी केप्ट एज एज स्मॉल एज पॉसिबल, है ना, एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी है, जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी है बोल्ट का, जो कि 82,335 न्यूटन जो है आपका दिया गया है। व्हाट इज द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट? तो डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्या होगा, इफ अगर स्लिप रेजिस्टेंस जो कि डिजाइन किया गया है एट सर्विस लोड पे, है ना, वो किस पे डिजाइन किया गया है, सर्विस लोड पे डिजाइन किया गया है। तो कुछ नहीं, 82,335 है न्यूटन, इसको डिवाइड कर देना है 1.1 से, तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 74,850 न्यूटन, ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका ये दिया गया है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस, तो नॉइज प्रोड्यूस्ड इन वेल्डेड प्रोसेस इज रिलेटिवली लेस। ये सही है, प्रॉपर वेल्डिंग इन फील्ड कनेक्शन इज डिफिकल्ट, गलत। द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट रिक्वायर्स नो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, गलत। देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इन वेल्डिंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हैगा वो आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। देखो डियर, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और ये अनाउंसमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंजीनियर प्लस ऐप, है ना, इंजीनियर प्लस ऐप जो कि हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं, उस पर आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो आपका बीसीसीएलई का, बीसीसीएलई या फिर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आपके अगर कोई दोस्त वगैरह हैं जो बीसीसीएलई की तैयारी करना चाहते हैं या सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनको हमारे इस ऐप के बारे में, इंजीनियर प्लस ऐप के बारे में बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमारे पार्ट बन सको और अपना परिवार और आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू।